नमस्कार, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया विषय लेके। और आज का विषय है हमारा बेसिक कारकत, कि कौन कौन से घर के कौन कौन से कारक ग्रह हैं, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला घर जिसका कारक है सूर्य। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, इसलिए इसको कारकत तो पहले घर का। पांचवा घर नेचुरल सूर्य का घर है, पुत्र कारक। और नौवां घर जहाँ पर सन जो है कि पिता का कारक। तो इस तरीके से सूर्य को तीन घरों के कारक तो दिया गया है, एक हमारी आत्मा का, एक हमारे पुत्र का और एक हमारे पिताजी का। दूसरा घर हमारी वेल्थ का, हमारी फैमिली का, जिसका कारतत्व जुपिटर के पास है। जुपिटर के पास इसके अलावा भी चार घरों के और कारतत्व हैं, जैसे कि पांचवा घर, नौवां घर, दसवां घर और ग्यारहवां घर। तो गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसको हमारे शास्त्र के अंदर जीव कारक माना गया है, ऑक्सीजन का कारक माना गया है। इसके बगैर ज़िंदगी संभव नहीं है। और इसको हमारे जन्म पत्र के अंदर पांच पांच कार तत्व दिए गए हैं, हमारे फैमिली का, हमारे बच्चों का, हमारे पिताजी का और गुरुजी, और जो कि हमारा जो हमारे डिज़ायर्स हैं उनकी फुलफिलमेंट का, हमारे गेम्स का, हमारे लाभ भाव का, गुरुजी के पास कार तत्व है। तीसरा अगर हमारे पराक्रम का है, हमारे जो है कि छोटे भाई बहनों का है, जिसका कारतत्व तो जो है मंगल के पास है। वैसे ये मिथुन राशि, तीसरे घर की मिथुन राशि की मानी जाती है हमारे जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, लेकिन आज हम सिर्फ घरों की बात करेंगे और घरों के कारकों की बात करेंगे। तो ये घर हमारा जो है पराक्रम का घर है। पराक्रम के लिए हमें एनर्जी, हमें फोर्थ, हमें ताकत चाहिए होती है, हमें क्रेज, आत्मविश्वास मंगल से प्राप्त होता है। तो तीसरे घर का जो कारतत्व है वो हमारे मंगल ग्रह के पास है। चौथा घर है हमारे सुख का, हमारे मकान का, हमारे जो है कि व्हीकल्स, हमारी लग्जरीज, हमारे कंफर्ट। तो ये जो कारतत्व है चौथे घर का, मेनली जो है कि अपने चंद्रमा और शुक्र के पास है। लेकिन जो है कि हमारे जो मकान है, लैंड है, उन सब का कारतत्व जो है मंगल के पास है, इसलिए हमने मंगल भी यहाँ लिया है जमीन जायदाद के बेस पे। नहीं तो लाल किताब के अंदर जो है कि चौथे घर के अंदर मंगल को नीच का माना गया है। लेकिन ये जो है कि बाद का विषय है, जो मांगलिक दोष वगैरह। तो मैंने यहाँ पर जो है कि प्रॉपर्टी के लिए मैं मतलब अपने में जो मैं अनुभव के हिसाब से मंगल का जो है कि हमारे ज़मीन का, हमारे जायदाद का, हमारे जो प्रॉपर्टीज़ का कारक है, इसलिए फोर्थ हाउस मंगल को भी कारक तत्व हुआ। मून मदर और सुख का कारक है, और वीनस हमारी लग्जरीज आइटम का, हमारी महंगी महंगी गाड़ियों का। इसमें हम शनि को भी ले सकते हैं कि शनि जो है हमारे जो साइकिल, रिक्शा, मजदूर, रिक्शा, रेड़ी, जो मतलब छोटे जो काम धंधे के लिए जो अपना यूज़ करते हैं, लोहे से जो आजकल की गाड़ियाँ हैं वो लोहे से बनी होती हैं। तो हम शनि को भी ले सकते हैं जो कमर्शियल गाड़ी से उसके लिए, तो शनि को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कि हमारा पाँचवा कारतत्व मैंने पहले बात की थी, सूर्य और गुरु जी। छठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रुओं का भाव, हमारे डेली क्रम का भाव। तो यहाँ पर मंगल और शनि को कारतत्व मिला हुआ है। मंगल को बीमारियों से लड़ने के लिए, हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए, अगर मंगल यहाँ पर है तो वो हमारे दुश्मनों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, हमें कंपटीशन में जीतने की शक्ति प्रदान करता है। और शनि अगर यहाँ पर है, उसको जो कारतत्व है वो हमारे डेली जो रूटीन्स हैं उसके मेहनत के लिए, हमारे सर्विंग
कैपेसिटी के लिए जो हम मेहनत करते हैं, सर्व कर सर्विस कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर सनियों का तत्व दिया है। सातवां भाव हमारी पत्नी का है, तो वीनस को यहाँ का तत्व मिला हुआ है। और जो है आठवां घर हमारी लंबी आयु का, शनिदेव जो है हमारे लंबी आयु के कारक हैं, इसलिए आठवें ग्रह कारक ग्रह हमारे शनिदेव हैं। नौवां घर हमारे पिताजी का, हमारे गुरुओं का, इसलिए ऐसा कारतत्व जो है सूर्य और जुपिटर के पास है गुरु जी। दसवां घर हमारे प्रोफेशनल घर है, इसको बहुत से ग्रहों का कारतत्व है, मेरे हिसाब से सभी ग्रह इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो मेन शास्त्रों में दिया गया है उनको लेते हैं। शनि हमारे हार्ड वर्किंग, हमारी मेहनत, क्योंकि शनि जो है कर्म का कारक है, हमारी मेहनत का कारक है, हमारे प्रोफेशनल कारक माना जाता है, तो शनि। मरकरी जो है हमारे बिजनेस का कारक है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का कारक है, तो जो बिजनेस हैं, ट्रेडिंग्स हैं, जिसमें जो है कि ज़्यादा अपना ट्रेडिंग आ जाता है, जैसे हमारी बोल चाल आ जाती है, हमारी सेल्स मैनशिप आ जाती है, मतलब जो माल को बेचने का जो है कि जो अपनी बातों से माल को बेच सकें, तो वो चीज़ें जो है कि मरकरी के अंडर में है, तो मेनली बिजनेस के लिए मरकरी हो गया। अब आ गया हमारा जुपिटर। वैसे लाल किताब के अंदर जुपिटर यहाँ पर जो है कि नीच का बोला गया, क्योंकि हमारी जो है कि नेचुरल कुंडली के अंदर नीच का होता है, तो लाल किताब ने बोला कि यहाँ पर अगर जुपिटर होने से काम धंधे में, बिजनेस में आदमी को लॉस उठाना पड़ता है, तो उन जो डिटेल में ना जाके जुपिटर भी यहाँ का कारक माना गया है, तो मैं इस बात पर अभी बोल रहा हूँ। सन उच्च पोजीशन में पहुँचाने के लिए, स्टेटस एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं गवर्नमेंट में उच्च जॉब पे, या किसी सेमी गवर्नमेंट के अंदर उच्च पोजीशन पे, या प्राइवेट सेक्टर के अंदर CEO वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मतलब बड़े मैनेजमेंट के अंदर जो जॉब्स होंगे वो शनि के अंदर आएंगी। जुपिटर को यहाँ पर हम टीचिंग का ले सकते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जो है, टीचिंग के जो प्रोफेशंस हैं, जहाँ पर प्रचार है किसी चीज़ का, धर्म प्रचारक हैं, या कहीं पर पढ़ा रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, तो वो सब हम गुरु जी के अंडर में ले सकते हैं। जुपिटर जो है हमारे लाभ भाव का कारक है, लाभ जो है वैसे शनि की राशि होती है यहाँ पर नेचुरल जो जोड़िया इसके अंदर है, लेकिन जो गुरु जी हैं वही लास्ट रिजल्ट उनके थ्रू मिलता है। वैसे देखा यह गया है कि जुपिटर यहाँ पर होते हैं तो वो अपना पूरा फल देते नहीं हैं, क्योंकि जो 11 भाव हमारे जो हैं डिज़ायर्स के हैं, तो जुपिटर यहाँ होने के बाद में जो है कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं थोड़े से सात्विक किस्म के, यानी मतलब इतना लग्जरीज की तरफ ना होकर धार्मिकता की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं, हाई एजुकेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए तो ये अच्छा है, लेकिन जहाँ पर पैसे की बात आ जाती है या छल कपट की बात आ जाती है, क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो झूठ भी बोलना पड़ता है, कई बार बिजनेस के अंदर भी बोलना पड़ता है, तो उन चीज़ों के लिए गुरुजी जो हैं यहाँ इतने बढ़िया नहीं होते। तो उसका मेन जो है जो जुपिटर का यहाँ पर ये है कि जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे 11 भाव का, तो मेनली शनि के से देखते हैं, जो हमारी लाल किताब बोलती है, जो हमारे वैदिक हैं, वैदिक के हिसाब से यहाँ पर जो भी निशान होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे, लेकिन कारक इसका जुपिटर को मानेंगे। और जो है कि हमारे 12वें घर का जो स्वामी और जो कार्क तत्व है, जो कार तत्व है वो राहु और केतु को मिला हुआ है, क्योंकि राहु और केतु ऐसे, राहु जो है कि हमारे जो है संतमन घाट, कौरस्याड, या मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही कूड़ा कबाड़ा है, वो उन जगह को, या खाली मैदान, जंगल, मतलब इस तरीके की जो जगह है, जो बंजर भूमि बोल सकते हो आप, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। और केतु जो है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान, हमारे मोक्ष की तरफ जाने को प्रदर्शित करता है, तो ये दो चीज़ों के कारक तत्व जो है राहु और केतु को दे रखे हैं। तो लेकिन यहाँ इनमें से जो एक ही चीज़ हो सकता है, या तो आदमी जो है कि उन चीज़ों में कार्य करें, मान लो कि हो सकता है कि जैसे राहु जो है बाहर की विदेश यात्रा का कारक भी है, पहले टाइम पर तो वो उसे गलत माना जाता था अपने घर से दूर जाना, लेकिन आज के टाइम पर तो ये अच्छा योग माना जाता है। तो इस तरीके से ये तो हमारे जो है कारतत्व जो हैं, जो इनको दिए गए हैं हमारे घरों को,
किस किस ग्रह के दिए गए हैं। एक बार थोड़ा नज़र मान लेते हैं कि जो हमारे जो ग्रह हैं उनके अंडर में कौन कौन से कारक आते हैं। जैसे सूर्य है वो कारक है हमारे आत्मा का, हमारे पिताजी का, हमारे बच्चों का। चंद्रमा जो है हमारी मदर का कारक है, हमारे माइंड का कारक है, हमारे मूड। और मार्स जो हमारे यंगर सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन, और हमारा एग्रेशन, हमारा कैरेज, हमारा साहस, उसका कारक है। हमारी बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज़। मरकरी जो है कि हमारा एजुकेशन, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा बिजनेस, हमारा ट्रेडिंग स्किल्स, उन सबको जो है कि मरकरी रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर जो है कि हमारा जो है गुरु है, विजडम है, धर्म है, वेल्थ, हमारे सन, हमारे गेन्स, हमारी हायर एजुकेशन। तो जुपिटर इनको रिप्रेजेंट करता है। वीनस जो है हमारा लवर है, हमारी वाइफ है, हमारा व्हीकल्स हैं, लग्जरीज है, महंगे महंगी कपड़े हैं, ब्रांडेड कपड़े। तो उन सबको जो है कि हमारे आर्ट है, फिल्म लाइन है, जहाँ हमारा फेस वैल्यू ज़्यादा काम आती है, या हमारी पे जहाँ फेस वैल्यू लगाई जाती है, जिसके ऊपर पैसा लगाया जाता है, जिस फेस के ऊपर, वो चीज़ दो नंबर जो हमारा जो है वृषभ राशि, वो भी जो है कि वीनस के अंडर में आती है। शनि हमारे कर्म कारक हैं, हमारे कर्म फलदाता के नाम से जाने जाते हैं, दंड नायक। तो इनके अंडर में हमारी मेहनत है, हार्ड वर्क है, छठा घर है, आठवां हमारी लॉन्गविलिटी है, दसवां प्रोफेशन है। तो हम जितना भी काम धंधा जो भी है जो है शनि के अंडर में आता है। वैसे शनि जो है हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो नीचे तबके के हैं, जिनकी जो है कि कोई सुनता नहीं है, यानी कि दबे कुचले लोग जो होते हैं समाज के अंदर, वो सब शनि के अंडर आते हैं। राहु केतु जो है कि वो लोग हैं जो आउटकास्टेड हैं, जो हमारे समाज के जो कायदे कानूनों के अंदर फिट नहीं बैठते, वो राहु और केतु हैं। उसे आप फॉरेन लैंड के निवासी भी बोल सकते हैं। तो अगर हमारे स्टेट से कोई दूसरे स्टेट के, जिनके रीति रिवाज अलग हों, हमारे रीति रिवाज अलग हों, उनको भी बोल सकते हैं। तो ये तो वे कारक। तो आज के विषय इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।